Sponsored by Sri Nataraj Oils. Pure Edible Oils. वन विभाग के खिलाफ डीएम कार्यालय में कांग्रेसी और क्षेत्र के लोगों ने किया प्रदर्शन। पिथौरागढ़ जिले में हर रोज जिले के विभिन्न क्षेत्र में गुलदार दिखाई दे रहा है। कई बार सीसीटीवी कैमरे में भी गुलदार नजर आया। कई बार क्षेत्र के लोगों और जनप्रतिनिधियों द्वारा भी वन विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। जिला मुख्यालय में अभी तक 13 लोगों से ज्यादा लोग गुलदार के निवाले बन चुके हैं। जिला मुख्यालय बजेटी में मासूम बच्ची गुलदार के निवाला बनने के बाद आज क्षेत्र के लोग और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वन विभाग DFO के कार्यप्रणाली निष्पक्ष से जांच की मांग के साथ ही समय से जांच नहीं हुई तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। नवभारत समाचार पिथौरागढ़ से त्रिभुवन जोशी की रिपोर्ट। DFO मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। DFO मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। पिथौरागढ़ क्षेत्रवासियों का हनन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पिथौरागढ़ वासियों का हनन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पार्टी द्वारा जिलाधिकारी को यहाँ पे ज्ञापन दिया है और सीधे सीधे तौर पे हम कहना चाहते हैं कि जो यहाँ भ्रष्टाचारी DFO बैठा है, जो 7 साल से यहाँ जिसका तबादला तक नहीं हुआ है, जिसके यहाँ पे रहते हुए 13 से ज्यादा जो है हमारे लोगों को यहाँ पे जो जंगली जानवर है, गुलदार है, उनसे उन्होंने अपना निवाला बना दिया है। और अभी हाल ही की घटना जो है वो नगर के समीप में जो बजेटी गाँव है, वहाँ एक 7 साल की बिटिया को आंगन से अगर गुलदार उठा ले जाता है तो ये सीधे सीधे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है DFO और वन विभाग की कार्यप्रणाली पे। हमने यहाँ पे सीधे सीधे तौर पे DM महोदय से अनुरोध किया है कि इस DFO के खिलाफ जांच हो, जो इसने इस तरीके के कुकृत्य यहाँ पे किए हैं, गलत तरीके के कार्य यहाँ पे किए हैं, जिससे यहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं, उसके खिलाफ उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो ट्यूलिप गार्डन के नाम पे इन्होंने पैसे की बंदरबांट की है, सरकारी पैसे की, उसकी उच्च स्तरीय जांच हो। और जो इस 7 साल में जितने भी जो बटियाएं बटियाओं के नाम पे हिमालय क्षेत्र में पैसा जो बर्बाद करने का काम किया है, उसकी भी उच्च स्तरीय जांच की हमने मांग की है।